जो गंगा जमुनी संस्कृति की एक मिसाल पेश करती है। नाज़नीन नमाज अदा करने के साथ साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ती है और बच्चों को हनुमान जी के बारे में जानने के लिए प्रेरित भी करती है। बनारस की विरासत और यहाँ के प्रभाव को करीब से देखा है, उसके लिए ये चौंकने वाली बात कतई नहीं है। हिजाब पहनने वाली ये महिला जन्म से ही मुस्लिम है और आस्था से है। नाज़नीन रोजाना नमाज पढ़ती है और रमजान के महीने में रोजा भी रखती है। लेकिन नमाज और रोजा के साथ साथ वो उतनी ही सहजता से एक धर्मनिष्ठ हिंदू की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे जाती। नाज़नीन को देखकर ये सवाल सहज ही मन में उठता है कि आखिर मजहब के नाम पर टकराव क्यों है। नाज़नीन एक मिसाल है सांप्रदायिक सौहार्द की। नाज़नीन मिसाल है भारतीय संस्कृति और परंपरा की। इसके साथ ही नाज़नीन आईना है उन लोगों के लिए जिनके लिए मजहब आग लगाने का एक जरिया बना है। कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हमें आपस में मेल मोहब्बत भाईचारे के साथ रहना ही सिखाता है। बनारस गंगा अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, तो हम बनारस में रहकर आपस में एक दूसरे के मन में इतनी नफरत पाल के एक दूसरे से दूर रह के कैसे रह सकते हैं। नाज़नीन के दिन की शुरुआत हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई बांटने की कोशिशों के साथ होती है और इन्हीं कोशिशों के बीच उनकी शाम भी होती है। हिंदू धर्म के बारे में मुसलमानों के बीच फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए नाज़नीन ने हनुमान चालीसा से शुरुआत की और उसे उर्दू भाषा में भी लिखा है ताकि उर्दू पढ़ने वाले भी सहजता से उसे पढ़ सकें। लेकिन नाज़नीन की कोशिशों का सिलसिला यही नहीं रुका, उन्होंने शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और यहाँ तक कि संस्कृत में लिखी गई श्री दुर्गा शब्द सती को भी उर्दू भाषा में लिख डाला। नाज़नीन का प्रयास जारी है और इन दिनों वो भारत के सबसे लोकप्रिय धर्म ग्रंथों में से एक श्री रामचरितमानस को उर्दू भाषा में लिख रही है। हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। मतलब के साथ ही हम एक दूसरे की दूरी को खत्म कर सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे के मतलब को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम ये दूरी को खत्म नहीं कर सकते। तो जो इनका काम है बहुत ही सराहनीय और ये साथ साथ में हम लोग को ये भी सिखाती है कैसे हम आपस में एक हो सकते हैं। 2006 में जब वाराणसी के संकट मोचक मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ, तब नाज़नीन ने आतंकवादियों की सोच को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संकट मोचक मंदिर में जाकर कई मुस्लिम महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। नाज़नीन सौहार्द की इस परंपरा को रामनवमी और अन्य हिंदू त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक रूप से मजबूत करती है। वो घर घर जाकर मुस्लिम महिलाओं से संपर्क करके अपने साथ जोड़ती है। भारत वंशी है और भगवान श्री राम भारत के हैं। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मजहब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वज को कभी भी नहीं बदल सकता। आज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो जुड़ करके दीपावली पर रामधन पर राम आरती करती हैं। नाज़नीन का जन्म वाराणसी के एक बेहद साधारण बुनकर परिवार में हुआ, जहां लड़कियों की शिक्षा के कोई मायने नहीं समझे जाते थे। नाज़नीन ने अपने जिद से कक्षा 8 तक की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उसे घर पर बैठना पड़ा। लेकिन कुछ कर गुजरने की जिद ने नाज़नीन के लिए रास्ता निकाला और विशाल भारत संस्थान के सहयोग से नाज़नीन ने अपने आदि की पढ़ाई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में MA किया। इसके साथ
नाज़नीन ने मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से वो धार्मिक सौहार्द की दिशा में काम करने के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की जंग भी लड़ रही है। नाज़नीन ने अपने मोहल्ले में निकल कर मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम लोगों से मिलकर ये कहना शुरू कर दिया कि आप बेटियों को स्कूल भेजिए, लड़कियों को स्कूल भेजिए। उसकी प्रेरणा से लोग बच्चे स्कूल जाने लगे। नाज़नीन जैसी महिलाएं हमारे समाज के लिए भले ही उम्मीद की किरण जलाती हैं, लेकिन समाज के कुछ तत्व खुद उनकी राह में कांटे बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अपनी बेमिसाल कोशिशों के एवज में नाज़नीन को न सिर्फ रोकने की कोशिशें की जाती है, बल्कि चरमपंथियों की ओर से फेसबुक से लेकर फोन तक पर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। तमाम धमकियां भी देते रहते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी फोन पर, कभी गलियों कूचों में चीटाघासी करके, तो इस तरह से वो डराते धमकाते रहते हैं, मगर इस धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाज़नीन रोशनी है इन युवाओं के लिए जिनके भरोसे ये देश आगे बढ़ेगा, लेकिन नाज़नीन जैसे लोगों की कोशिशें कितनी सफल होती हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ कितनी मजबूती से कंधा मिला करके चलते हैं। वासुदेव त्रिपाठी, IBN7।